दोस्तों, सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा है, गर्मी दस्तक देने लगी है और ऐसे टाइम पे जो है मार्केट में जो धनिया पत्ती है बिल्कुल सस्ती हो चुकी है, तो आपका ये मौका है कि आप लूट लीजिए इसको दोनों हाथों से, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये इतना रुलाएगी कि पूछिए मत। अगर आप ख़रीदने जाइएगा तो फिर दुकानदार से अगर आप 10 रुपये का धनिया पत्ती मांग लिए ना, वो तो आपको ऐसे देखेगा जैसे आपने उसका खजाना ही मांग लिया है, और गलती से 5 रुपये का मांग लिया तो आप रे ऐसे मुंह सड़ाएगा जैसे कि वो सड़ा के देगा, जैसे कि वो आपको भिक्षा दे रहा हो। तो इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये रेसिपी लाए हैं। तो ये हमने धनिया पत्ती ली है, ये करीब 19 रुपये की मिली है, 250 ग्राम है। इसमें से हम जो है इसको हम अच्छे से जो है जो ख़राब वाला हिस्सा है इसको हम पहले चुन लेते हैं। तो ये देखिए जो इसमें कुछ सूखे सूखे हैं, कुछ ख़राब भी होता है, तो उसको हम ऐसे तोड़ के ऐसे निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से हम जो धनिया पत्ती है सबको हम सब में से चुन लेंगे, एकदम बिल्कुल ख़राब वाला हिस्सा निकाल देंगे चुन चुन के, और अच्छा वाला हिस्सा जो है उसको हम रख लेंगे। तो दोस्तों अगर कसूरी मेथी बन सकता है तो फिर धनिया जो है कसूरी धनिया क्यों नहीं बन सकता, इसी को ध्यान में रखते हुए। और बारिश के दिनों में गर्मियों में जब धनिया पत्ती महंगी हो जाती है तो उस टाइम आपको इसका फ़ायदा मिल सके, इसके लिए ये रेसिपी लाए हैं। तो ये देखिए हमने सारा धनिया पत्ती इसी तरीके से चुन लेना है, बिल्कुल ख़राब वाला हिस्सा अच्छे से निकाल लेना है, और ये देखिए इसी तरीके से हमने सारा जो है धनिया पत्ती चुन लिया है। और इसके बाद हम इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके इसको हम छन्नी पे रख दिए हैं ताकि इसका पानी जो है सारा वो निकल जाए, और सारा पानी जब निकल गया है तो हम इसको इस तरह से पलट लिए हैं। ये हमने 250 ग्राम नहीं, इसमें से करीब 150 ग्राम ही लिए हैं, बाकी अभी घर में नहीं था तो हमने बनाने उसको रख दिया सब्जी वगैरह में डालने के लिए। हमने कहा कि ये वीडियो बना के पहले आपको हम दिखा लेते हैं, इसलिए हमने सिर्फ 150 ग्राम ही किया है, बाद में हम और जाके लाएंगे तो उसको बना के इस तरीके से हम रखेंगे। तो इस साफ़ करने के बाद हम ये इसको इस तरीके से चुन लेंगे जो है सब एक बराबर करके, आपको जैसे सुविधा हो वैसे कट कर लीजिए। आप पटरे पर अगर कट कर सकते हैं तो उससे कट लीजिए, मुझे ऐसे ही सुविधा होती है कट करने में। तो ये जो ऊपर का डंठल है ना, इसको हम जड़ जो है निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है जड़ निकालने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक, देखिए कितना बारीक बारीक कट करना है, एकदम ऐसे बारीक बारीक हम इसको कट कर लेंगे बिल्कुल आराम से। बहुत ही ताज़ी धनिया पत्ती है, इतना मज़ा आता है काटने में इसको, क्योंकि बहुत आराम से कटती चली जाती है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से हम सारी धनिया पत्ती जो है उसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये पूरा धनिया पत्ती इतना जितना एक हाथ में लिया था उसको हमने कट कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे बारीक कट करना है। अगर 2-4 उसमें बड़ा चल जाता है तो उसको भी आप कट कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से। बाकी हमने सारा धनिया पत्ती जो है उसी कट कर लिया है, और ये जो इसमें एक तो बड़ा सा चला गया है कट करने में, तो उसको भी हम चुन करके ऐसे छोटा छोटा कट कर लेंगे, और इसके बाद हम इसको अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए कितना बारीक कटा है, तो अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे और धूप में हम रख देंगे। और बिल्कुल रख नहीं देना है कि रख के एक बार भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, इसको बीच बीच में आप करीब आधा घंटा या 1 घंटा पे जाके चला देना है ताकि सब एक समान सूखे। और इस तरीके से देखिए हमने दिन भर में ये धनिया पत्ती बिल्कुल सूख के, बिल्कुल देखिए एकदम कितनी अच्छी आवाज़ कर रही है ये छन छन की, बिल्कुल इतना कुरकुरा हो गया है, देखिए हाथों में लेते ही बिल्कुल टूट जा रहा है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सुखा लिया है, ये इतनी धूप तगड़ी है कि बिल्कुल हमने तो छत पे मैं भी नहीं ले गई थी, मैं तो नीचे ही बालकनी में ही सुखा ली, इतना आराम से सूख गया ये। तो अब इसको एक डब्बे में आप जो एयर टाइट कंटेनर हो उसमें डब्बे में पैक करके इसको आप रख के स्टोर कर सकते हैं, और इसको जब जी चाहे यूज कर सकते हैं। अगर आप चटनी बनाना चाहें, धनिया पत्ती की चटनी खाने का मन हो तो आप थोड़ा सा भिंगो दीजिए और उसके बाद आप चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, भिंगा के पीस सकते हैं। तो दोस्तों क्यों पसंद आया ना आपको ये रेसिपी,
फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी लाएं जब नए नए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपने हमारा वीडियो इतना ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से रेडी हो जाइए और धनिया पत्ती खरीद के लाइए और उसको सुखा के रख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।